प्रोजेक्ट बना लेना न्यू, बन गया। क्या करना है सबसे पहले इसको? बिल्कुल बिल्ड सेटिंग में जाना, बिल्ड सेटिंग। हाँ गुड, एंड्रॉइड में कन्वर्ट हो गया। ओके, जो हमारा लेआउट मैंने अपने सेव करके रखे हुए हैं, आपने भी अपना किया होगा, तो मैंने अपना लेआउट दोबारा वही सेट कर लिया। अच्छा, अब करना ये है कि आपने किट इंपोर्ट करनी है। कौन सी किट? शूटिंग किट। कौन सी किट? शूटिंग किट। यहाँ होगा जनाब हमारे पास एडवांस स्नाइपर स्टार्टर किट 4.2 डेवलपमेंटर। ठीक है, ठीक है। वो ये वाले अब देखो, ये देखो इतने सारे निकल आए हैं। आप जो मर्जी देखो, ये नीचे होगा कुछ रेट वाले आएगा, कुछ इसमें फ्री। देखो ये फ्री है, इंटीरियर। क्या मसला है इसको? ऐसे क्या है ना, ठीक है, ये फ्री पड़ी है बिल्डिंग। ये देखो पूरा उसने जो है ना, ये देखो अब ये मॉडल उठाओ, पूरा का पूरा सिटी टाइप बना हुआ है। यहाँ पे गाड़ी रखो, चल भाई, फ्री है ना, ये लिखा हुआ है फ्री। ये देखो पूरा घर है इस तरह। एक ये उन्होंने सिर्फ दिखाया है एक घर। इस घर को कॉपी पेस्ट करो, तो यहाँ सड़क लगाओ, आपका शहर बन जाएगा छोटा सा, फ्री है। फिर उसके बाद आपने बनाना यार पहाड़ों में इस तरह घर बनाना है, टूटे फूटा उस घर होता है, टूटे फूटे घर। ये देखो फ्री है, फ्री बहुत सारी है। देखो ये अब ये बिल्डिंग पे मैंने यूज़ भी की हुई है एक गेम में, ये फ्री बिल्डिंग है। अच्छा, उसके बाद जनाब आपने ये वेबसाइट बंद कर दी, फिर दूसरी की वेबसाइट। ये देखो सॉरी फ्री है, सर टोटल फ्री है आर्किटेक्चर पे। अब मैं कहता हूँ यार ये वाली चलते, ये वाली रिच ट्रेडिशनल चाइनीज़ हाउस। ये देखो ये फ्री है। ये अब यहाँ पर आप कर सकते हो ना, यहाँ पे आप इस घर को उठाओ, पहाड़ों के दरमियान के रखा, उसके इधर दरख्त लगा दो, आपने गाड़ी घुमा घुमा के यहाँ पे आपका एंड पॉइंट है, यहाँ पे आगे पॉइंट करोगे तो लेवल कंप्लीट हो जाएगा। फ्री पड़ा है, डाउनलोड सिंपल यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड यहाँ पे लिख के ऑप्शन होगी, वहाँ पर और भी यहाँ पे दिखाऊँगा। ये देखो ये भी पैसों वाली वेबसाइट है, ये तो बहुत ही मशहूर है, टर्बो स्क्वाड बहुत मशहूर। ये डिज़ाइनर ज़्यादा इस तरह करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपको प्राइस करनी है। प्राइस पे क्लिक करो, तो हम पाकिस्तानी हैं तो हमने क्या करना है 00 लाइव। हम तो फ्री वाले चाहते हैं, तो 00 के जो भी होंगे ना, बहुत होंगे इतने होंगे कि थक जाओगे, ख़त्म नहीं होंगे। फ्री वाले चेक करो। ये क्या करते हैं कि एक मॉडल बनाया आपने, उसको आपने 2 महीने $10 का बेच दिया, जब उसकी सेल ख़त्म हो गई ना, तो आपने क्या कर दिया, उसको फ्री कर दिया। इस तरह यहाँ पर लोग बैठे। ये देखो इसके कितने फ्री हैं और कितने पेज हैं। नेक्स्ट पेज देख लो, तुम्हारे सामने है। अब ये देखो ये कितना प्यारा इन्वायरमेंट है, चेक करो। अब ये देखो, ये अगर आप डाउनलोड कर लेते हो, इसमें कितने वो हैं, घर हैं, कितनी किस्म के घर हैं। तो यहाँ सड़क लगाओ, मुख्य किस्म के घर लगाओ, आपको सिटी तैयार है। फिर पूरे सिटी भी मिल जाते हैं। आप यहाँ पर लिखो, सर्च की ऑप्शन आती है, यहाँ पर लिखो सिटी आने लिखा। ये पैसों वाला फ्री वाला हमने फ्री क्लिक किया, और देखो मुझे ये बताओ कि इस सिटी में आपको बनाने की कोई ज़रूरत है। सिर्फ सिटी डाउनलोड करो, गाड़ी रख दो। सिर्फ सिटी डाउनलोड करो और गाड़ी रख दो, आपकी गेम तैयार है ना। सिटी बना हुआ है, फिर ऑफ रोड बना हुआ है। ये देखो किस तरह प्यारा घर बना हुआ है। यहाँ पे ये वो एक सिटी और भी होगा इधर जो सबसे अच्छा। ये देखो ये सिटी चेक करो, क्योंकि 4 बिल्डिंग हैं और शो तस्वीर में ज़्यादा हो रही है। ये देखो ये सिटी, इसमें आप बिल्डिंग अपनी, अब उसने कुछ तो सारी तो नहीं बना के देनी, कॉपी पेस्ट मारो, बिल्डिंग खुद बढ़ा लो। ये सिटी देखो ये फ्री है नाइट, लेकिन ये आपने देख करना था कि मोबाइल में हैंग ना हो। ये सिटी से तो सर्कल नहीं है, एक और लास्ट दिखाते हैं फिर बस। अब ये सिटी मैंने कल हमारे ऑफिस में लड़की ने डाउनलोड किया है। देखो कितना बड़ा सिटी है, ये पूरा ऐसे ही है। बात समझे, लेकिन बताना आपको बनाना आना चाहिए। अब ये चेक करो यार, ये तो अच्छा है यार, मैंने भी नहीं देखा था ये पहले। ये चेक करो आप, होगा लो खोली। इसके बाद टिप्स देखने हैं आपने, डाउनलोड 38,838 है। देखा आपने कितना प्यारा बना हुआ है। तो इस तरह आपने सर्चिंग डाउनलोड करने आया मेड। अच्छा जी, अब हमने स्नाइपर किट क्या कर ली, इंपोर्ट कर ली। अब स्नाइपर किट में आपने जाना है सबसे पहले, और कुछ भी नहीं करना आपने, करना ये है कि ये कंपाइल कर रहा है मेरा ख्याल, दो मिनट रुको। अच्छा क्या हो गया, इसे खोल लेना है, इसका है स्नाइपर गेम, इसे खोल लेना है। यहाँ पे है डेमो, सबसे पहले हम डेमो चला के देखते हैं, क्या करके देखते हैं डेमो, कि भी इन्होंने किट वालों ने कुछ डेमो बना के दिया हुआ कि डेमो क्या करता है हमारा। ये जो आगे गन है आपने जूम किया, ये बंदा जा रहा है, आपने इसको यहाँ से ठीक है, फिर डेमो है, डेमो से स्नाइपर की दूर से खड़े चोरी चोरी चलेगी भी, चलते भी हैं ये, लेकिन स्नाइपर चलने चलते नहीं तो स्नाइपर गेम में हमने इसको स्टैटिक कर देना है को, इसको कि चल ना सके, ये चल ना सके। इसकी गन भी चेंज हो जाती है यहाँ, डब्ल्यू दबाओ, इसकी रेंज कम है गन की। ये हो गया, ये इसका डेमो सीन 1 है, ये डेमो सीन 2 है। आधी गेम तो उन्होंने बना के दे दिया, तो वो बड़ा अच्छा यार इसके अंदर। ठीक है, क्या हुआ ये बड़ा, ये कैमरा जाता से क्या कहते हैं, नहीं एनिमेशन नहीं है, इसे कहते हैं एक्शन कैमरा। ये दो कड़े ये दूर बहुत ज़्यादा है ना, तो एस्टीमेट लगा के मारना पड़ेगा, मारूंगा तो इंशाल्लाह जरूर मैं। वो दीवार को लग रही है, उनको नहीं लग रही। ठीक है जी, एक तो आपको मैं दूंगा, आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, 10-10 पेज 15-15 पेजेस की है दोनों डॉक्यूमेंटेशन, लाजमी पढ़नी है कि किट काम किस तरह करती है, उन्होंने पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक हो गया, अब मसला ये है कि हमने तो एनिमल हंटिंग बनानी है, ऐसे ही है ना, Ctrl N करो, Ctrl S करो, और यहाँ पर सीन बना लो लेवल 1 करो, बन गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक टैरन ले लो, राइट क्लिक 3D ऑब्जेक्ट और टैरन आ गया। उसके बाद डायरेक्शन लाइट पे क्लिक करो, उसको शेडो बंद कर दो, उसके बाद टैरन पे क्लिक करो, पेंट पे क्लिक करो, एडिट टेक्सचर, ऐड टेक्सचर, यहाँ से ग्रीन किट वालों ने यूज़ किया हुआ, तो मैं ये कर नहीं यार, ग्रीन सही है। आ गया और लिया छोटा सा, इधर गया हमें हल्के फुल्के ना, सॉरी ज़रा दूर से नज़र भी आया ना, ये जो हमने पढ़ा। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम जानवर खड़ा करना है और हमारा प्लेयर खड़ा होगा, हम कहते हैं यार यहाँ आप यहाँ पे जाओ और इसको थोड़ा सा ऊँचा बना लो, बन गया। इसकी वो लो, हाइट लो, इतना बनाना है इसको, यहाँ पे खड़ा कर देंगे ऊपर प्लेयर, स्नाइपर ऊपर ही खड़ी होती थी ना, यहाँ पे खड़ा कर देंगे, वहाँ पे एनिमल होंगे, वहाँ से हमें फायर करना है। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, हमने इतना काम तो हो गया, करना ये है कि इसकी जो ये ऑटो बंद करो। क्या हमारा एनिमल इंपोर्ट। अब आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है भाईजान, वो ये कि अब हमने कौन सा जानवर मारना है वो जानवर सेलेक्ट कर लो। हम कहते हैं कि यार हमने ना ज़ेबरा मारना है, इसके अंदर मॉडल पड़ा है FBX फाइल पड़ी है, ज़ेबरा पड़े हर पड़े हैं, बर्ड्स भी पड़े हैं, ज़ेबरा मैंने उठाया और यहाँ पे लगा दिया, FKA क्लोज चला गया। ये हमारे पास क्या आ गया ज़ेबरा। अच्छा इसकी इसके अंदर एनिमेशन इसकी पड़ी हैं, टेक चेक करते हैं सारी एनिमेशन। टेक का मतलब ये कि आराम से खड़ा रहे। डेथ, ये डेथ की एनिमेशन है, देख रहे हो आगे वो घोड़ा भागने की एनिमेशन। ये एनिमेशंस बनी हुई हैं, आपको बनाने की ज़रूरत है ना, ये आप बना सकते हो। ये स्पेशल डिज़ाइनर्स जो बनाते हैं ना, ये मॉडलिंग करते हैं, ये वही एनिमेशंस बनाते हैं। ये रिग्ड है। रिग्ड क्या होता है कि इसके अंदर हड्डियों की तरह काम करिएगा, हड्डियों की तरह हिल रहा है, लचक है। इंसान भी तो इस तरह ही है ना, इंसान अपनी बाजू इस तरह कर ले, इस टाइम वो भी टाँगें कर रहे, देखो इसे कहते हैं रिग्ड बॉडी। क्या कहते हैं? ये सांस ले रहा खड़ा, ठीक है। ये हम कहते हैं कि यार ये ना टेक खाने की है, इसकी एनिमेशन जो स्टार्ट हो ना एनिमेशन वो ये हो। ये वाली चलो यार कुछ भी लगा दो। अच्छा इसके ऊपर जो डिफ़ॉल्ट एनिमेशन का आपने कौन सी रखनी है वो यहाँ पे ड्रैग कर देनी है कि जब गेम चले तो कौन सी एनिमेशन डिफ़ॉल्ट हो, कोई भी रख सकते हो आप। अच्छा इतनी समझ आ गई बात की। अब इसके ऊपर ना आपने क्या करना है, सबसे पहले लगानी है रिजिड बॉडी। क्या लगानी है? क्योंकि ये तो बेजान, ये तो खाली एक खोल है, यूनिटी को बताना है कि ये एक जानदार चीज़ है, उसके लिए क्या लगाना है आपने? रिजिड बॉडी लग गई। अब ये जानदार चीज़ बन गई है, ठीक है, गेम के लिहाज से, कंप्यूटर के लिहाज से रिजिड बॉडी लग गई। दूसरा इसके ऊपर लगाना है कोई ना कोई कोलाइडर तो लगाना है कि नहीं, बॉक्स कोलाइडर, क्योंकि गोली लगनी है, कोलाइडर लगेगा तो गोली लगेगी ना। बॉक्स कोलाइडर को सेट कर लेना है आपने। अब ये देखो ये रिजिड बॉडी लगी है तो ज़मीन में घुसेगा क्योंकि टांगे जाएंगी, है ना, तो कोलाइडर आपने यहाँ करके सेट करना। असल तरीका ये होता है कि टांगों के ऊपर अलग कोलाइडर लगाओ और पेट के ऊपर अलग। अब मैंने एक ही लगा दिया है, कोई मसला नहीं है। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लो और इसको थोड़ा, इतना आपने कोलाइडर लगा दिया, ठीक है। यहाँ तो कोई समझ ना आई हो, यहाँ से चेक कर लें ऊपर से, ज़्यादा खुला है तो इसको क्या कर थोड़ा सा ये कोलाइडर लग गया है। तो सर ये जो स्पेस है इसके देने चाहिए, अगर यहाँ से गोली लगेगी तो यहाँ पे खून निकलेगा, यहाँ पे गोली लगेगी तो खून निकलेगा, क्योंकि हमने कोलाइडर लगाया इस तरह। इस तरह कोलाइडर नहीं लगता था, उसका कोलाइडर ये होता है कि आप कैप्सूल कोलाइडर लगाओ, टांगों पर चारों टांगों पर अलग कैप्सूल कोलाइडर होगा, इतने पेट पे अलग कैप्सूल कोलाइडर होगा, मुँह पे अलग होगा, गर्दन पे अलग होगा, 7-8 कोलाइडर लगेंगे। अब उस पर तो टाइम लगेगा, मैंने सिर्फ वो मकसद है पढ़ाना, तो हम भी गेमों में इतना नहीं लगाते कैप्सूल कोलाइडर। अच्छा ये हो गया, ये भी लग गया। तीसरा हमने जनाब इसके ऊपर स्क्रिप्ट लगाना है, जो किट का स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट का नाम है डैमेज मैनेजर। क्या लगाना है? डैमेज मैनेजर। अब इसके अंदर ना ये पढ़ो, ये देखो HP 100 है, यानी कि एक गोली पे मरेगा। इसकी कोडिंग पीछे भी है कि वो बंदे भी एक गोली पे मर रहे थे ना, अगर आप इसकी आप चाहते कि ये 2 गोली में मरे तो यहाँ पे क्या कर दोगे? 200 कर दोगे। यहाँ पे 200 कर दोगे तो कितनी गोलियों से मरेगा? 2। अगर 500 कर दोगे कितनी गोलियों से मरेगा? 5। यहाँ पे इसको एक स्कोरिंग भी की हुई है उसने, इसको मरने से कितना स्कोर मिलेगा आपको? 10 मिलेगा। आप अपनी स्कोरिंग भी कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, इसका खैर यूज़ नहीं करना हमने। अच्छा उसके बाद कहता है कि यार ये देखो कि ये जब मरे तो ये तो डेड वाली एनिमेशन नहीं, ये तो अलग चीज़ है, तो हमने डेड होता है किस तरह दिखाना है कि भाई वो इस तरह गोली लगे तो वो गिर के दिखाए हमें, तो उसके लिए उन्होंने अलग डेथ वाला दिया हुआ है मॉडल। डेथ वाला कहाँ है? यहाँ पे कहीं होगा, ये रहा डेथ है ना, इसकी एनिमेशन इसके ऊपर कौन सी लगी हुई है। आप क्या करो कि इस ज़ेबरे को इधर फेंको, एक और ज़ेबरे को फेंक लिया, इसके ऊपर डेथ वाली एनिमेशन लगाओ कि जब भी ये गेम चलो तो क्या हो एनिमेशन। अब चला के देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ डेथ वाली एनिमेशन से होता क्या है। वो गिर रहा है, ये खड़ा है क्योंकि उसके ऊपर एनिमेशन क्या है, डेथ वाली और इसके ऊपर क्या है और आराम से ब्रीथ वाली सांस ले रहा है, वो गिर गया। हमने जब गोली लगे तो क्या करवाना है, इसको ख़त्म करवाना है और इसको शो करवाना है। वो ये ख़त्म हो जाएगा, ये डिस्ट्रैक्ट लगेगा कि वो ही मर रहा है, हालांकि वो मर नहीं रहा होगा, मर कोई और रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी डेथ, ये भी ये हमारा डेथ वाला है। इसका प्रीफैब बना लो, क्या कर लो इसका आया इसका प्रीफैब बना के रख लो। मैं फोल्डर में नहीं रख रहा, आपने फोल्डर में चीज़ें रखनी है। इसको डिलीट कर दो क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। डैमेज मैनेजर का स्क्रिप्ट जहाँ लगाया था ना, तो वो पूछ रहा है कि डेड बॉडी कौन सी देनी है। आपने डेड बॉडी लिखा ना, डेड बॉडी आपने एरे देना एक, और यहाँ पे वो कह रहा है कि डेड बॉडी असाइन करो, तो जो हमने डेड की एनिमेशन प्ले करवाई थी वो इसके अंदर असाइन कर देनी है। अब जब गोली लगेगी डैमेज मैनेजर क्या करेगा कि इसको ख़त्म कर देगा और ये डेड बॉडी क्या करवा, ये वाला प्रीफैब क्या करवा देगा, ऑन करवा देगा। तो हमें लगेगा कि वही वाला हमारा है। ठीक, हमें लगेगा कि वही वाला हमारा है। दूसरा स्क्रिप्ट आपने इसके ऊपर लगाना है हिट बॉडी। कौन सा लगाना है? हिट बॉडी। हिट बॉडी के साथ कैप्सूल क्लैटर आ जाता है, तो आपने इस कैप्सूल क्लैटर को ख़त्म, डिलीट तो ये होगा ही नहीं, आपने क्या कर देना इसको अनचेक, क्योंकि बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं, हमने तो बॉक्स लगा दिया है ना, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा यहाँ पे ना आपने पहले पार्टिकल हिट में देना है ब्लड एफेक्ट्स, ये भी किट में पड़ा है, ब्लड एफेक्ट खून निकलने के पार्टिकल, सही है। उसके बाद है यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ पे रूट ऑब्जेक्ट के किसकी बॉडी को मारना चाहते हो, जिसकी बॉडी को मारना है उसका यहाँ पे साइन करवा देना है। लाइब्रेरी भी मारना है, उसकी बॉडी आ गई। तीसरी हमने स्क्रिप्ट, तीन स्क्रिप्ट लगने हैं। तीसरा स्क्रिप्ट लगना है हमारा एज बुलेट हिटर, एज बुलेट हिटर, एज बुलेट हिटर। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ब्लड एफेक्ट्स देना है पहले में, ब्लड एफेक्ट बस, और कुछ नहीं करना। अब मेरी बात याद रखना है कि आपने तरतीब स्क्रिप्ट्स की चेंज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि क्या करता है कि यूनिटी जो है ना कंपाइलर, उसने ये कोड लिखा हुआ कि सबसे पहले आए वो चेक करे ये जानदार चीज़ है, या उसके बाद कैप्सूल क्लैटर लगा, या उसके बाद डैमेज मैनेजर गोली लगे, उसके बाद हिट बॉडी, उसके बाद एज बुलेट हिटर। अगर आपने ऊपर कर दिया तो उसको डैमेज मैनेजर मिलेगा नहीं, तो वो रिप्लेस हो सकता ना हो। तो आपने स्क्रिप्ट्स की वो इस तरह रखनी है, यानी कि स्क्रिप्ट सबसे एंड में लगते होते हैं, ये हमेशा रूल है, स्क्रिप्ट सबसे एंड में लगते हैं और बाकी चीज़ें रिजिड बॉडी, बॉक्स क्लैटर, एनिमेशन जो भी आपने ऊपर लगा देना है। ये हमने इस तरह लगा दिया। ठीक हो गया, ये तो हो गया। अब इसको टैग दे देना है आपने एनिमी, एनिमी का टैग बना पड़ा होगा, पहले भी किट में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे भी एनिमी का टैग दे देना। कोडिंग जो हुई है एनिमी के लिहाज से सर, कि एनिमी को गोली लगे तो गोली एनिमी की तरफ जाए तो ये हो जाए। ठीक है भाई, बस इतना सा काम था। अब आपने क्या करना है, अब ये तो हमारा हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे ठीक हो गया, यहाँ पे हमने उसको मारना है जैपरे को। यहाँ पे आपने प्लेयर प्रीफैब पड़ा होगा, प्लेयर के नाम का, इसको उठा के यहाँ ड्रैग कर देना है। कोडिंग सारी हुई पड़ी है इसके ऊपर। ठीक है, ड्रैग कर दिया, ज़मीन के अंदर घुसा हुआ है, तो आपने इसको यहाँ तक निकाल देना, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया, ओके, ये तो हो गया। तीसरा वो कहते हो कि यार हमारी जो गोली है ना वो साथ साथ जाए, पता है ना गोली फॉलो करती है, एक्शन कैमरा उसे कहते हैं। तो आपने एक्शन एज एक्शन कैमरे का उठा के यहाँ पर ड्रैग, और कुछ छेड़ना नहीं है इसको, बस ड्रैग कर देना। ड्रैग हो गया। अब हम गेम चला के देखते हैं कि आया कि हमारे एनिमल मरता भी है या नहीं। ये खड़ा है जी, ये देखो लगी है गोली, हमने तो उसे मारी है, तो ये रिप्लेस नहीं हुआ। उसकी इश्यू बताता हूँ क्यों नहीं हुआ रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा होगा कि हमने इधर ज़ेबरा एनिमेशन, डिजिट बॉडी, बॉक्स क्लैटर, डैमेज मैनेजर, ब्लड एफेक्ट्स, हाँ ये देखो हिट बॉडी नीचे चला गया, और वो तरतीब कभी कभी ख़राब भी हो जाती है, तो आपने तरतीब चेंज नहीं करनी। यही इशू होगा, आई थिंक यही इशू होगा, कंफर्म है भाई। देखते हैं, शायद कोई और इशू भी हो। देखा, मर गया। अब क्या हुआ, उसने वो वाला प्रीफैब को ख़त्म कर, इसने डेड वाले प्रीफैब को उठा लिया जिसके ऊपर हमने एनिमेशन क्या लगाई हुई थी, डेड वाली एनिमेशन लगाई हुई थी। आप देखो जनाब, अब देखो चेंज किया है वो, क्या बुलेट को पहले उठा रहा था हिट बॉडी, बाद में बस वैसे मर ही नहीं रहा था। तो आपने ये देखो जैसे को और करना था, जैसे हमने गोली लगाई ना, गोली गई, वो वाला असल प्रीफैब ख़त्म हो गया और कौन सा आ गया एनिमेशन जिसके ऊपर डेड वाली लगाई हुई थी वो गिर गया, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बहुत कितना सा काम, इतना सा काम था मुझे एनिमेशन आई थी और वो भी एनिमेशन वो भी एक्शन कैमरा, गोली को जो फॉलो करता है स्लो कर देता है गेम, वो एक्शन कैमरा होता है, बाकी एनिमेशन है सारी, गिरने की, भागने की, चलने की, दौड़ने की, हर चीज़ की एनिमेशन। और भी एक्शन कैमरा है ये, एक्शन कैमरा और इसके अलावा और क्या करना है? एक तो ये है सिंपल, वो डेमो में जो दिखाया कि वो बंदा उड़ के ऐसे गिर रहा है, नहीं वो उड़ के नहीं गिर रहा, वो यही है बंदे का, गोली की फोर्स बहुत तेज़ की है इसलिए उड़ के गिर रहा है। जानवर उड़ के गिरे बुरा लगता है ना, गोली लगने से बंदा उड़ गया ऐसा हो सकता है? सिर्फ ये कि वो मरे बस, कि उसको गोली लगी है, वो खड़ा था आराम से, खून निकले और वो नीचे गिर गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह भी ला सकते हैं कि एक गोली लग गई ऊपर जगह बोले दूसरी गोली उधर मारो तो फिर वो भी हो सकता है, वो आगे जा करेंगे, वो अभी नहीं, अभी ये कर लो। अच्छा उसके बाद कहते हो ये देखो एक्शन कैमरे के ना कुछ प्रीसेट होते हैं, प्रीसेट क्या होते हैं कि ये देखो इसके ऊपर है कि बुलेट फॉलो, एक्शन कैमरा गोली को फॉलो करता हुआ जाए, एक एक्शन कैमरा है ये, दूसरा एक्शन कैमरा ये है कि हिट स्लोली हिट करता हुआ दिखाया एक्शन कैमरा, तीसरा ये है कि स्लो हिट, ये भी स्लो हिट है, चौथा भी क्या है कि फास्ट हिट करके दिखाए, जो पांचवा क्या है कि स्लो मोशन में दिखाए। आप अगर चाहते हो कि सिर्फ एक ही प्रीफ रहेगी गोली, जिस तरह मैंने एनिमल वाली गेम बनाई थी कि सिर्फ फॉलो करने वाला प्रीसेट था, तो आप सिंपल आओ एक्शन कैमरे में और यहाँ से इसकी तादाद क्या कर दो 1, और पहले वाला है एज स्लो मोशन। अब ये सिर्फ बाकी प्रीसेट लेगा ही नहीं, बाकी एक्शन कैमरों का स्टाइल लेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही लेगा, और वो कौन सा लेगा? गोली को फॉलो, जो जितनी दफ़ा मर्जी मार लो गोली फॉलो ही करेगा। पहले तो ये था ना कभी स्लो होकर दिखा रहा था, ऐसे ही हो रहा था ना पहले, अब ये इस तरह लेगा ही नहीं, ये बंद इस कैप करोगे फिर जाए इस पर बंद होगी ऑप्शन, ये तो कंट्रोल P दबाना। अब देखो फिर पहले तो ये नहीं था दिखाना, फिर वो गोली को फॉलो करेगा, ऐसे ही हो रहा है ना। तो अगर आप चाहते हो रैंडमली आए तो आप इसकी प्रीसेट वही 4 तादाद कर दो, 5 कर दो, 4 तादाद कर दी, पहले में पहला था, दूसरे में दूसरा था, तीसरे में तीसरा था, फिर चौथे में पहला था। अब देखना अब फ़र्क क्या आता है, फ़र्क ये आएगा कि आपका हो सकता है ये स्लो वाला चले, ये चला फॉलो वाला, अब अगली दफ़ा हो सकता है कि दूसरा चले, हो सकता है यही चले, यानी कि वो अपनी मर्ज़ी से रैंडमली चला देता है, कभी वो और कभी वो और कभी वो, ये फिर वही चला दिखा देता हूँ, फिर चलेगा जरूर। अभी ये देखो आप स्लो मोशन वाला लगा ना, आप गोली भी उसने फॉलो नहीं किया, तो ये अच्छा लगता है रैंडमली। आप ख़त्म करना चाहो तो कर सकते हो। और सर समझ आ गई है इसकी, आज के लिए इतनी बहुत है।